आज का शिरडी साईं संदेश। अपनी परिस्थिति अपने परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। इसलिए जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो दिल से करो, वो मालिक जरूर सुनेगा। परमात्मा से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वो हमारी कमजोरी बन जाता है, और परमात्मा से प्यार होने पर वो हमारी ताकत बन जाता है। अगर आसमां वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं, तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर किसी की जिंदगी में बुरा समय जरूर आता है, जिसमें कोई इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो कोई टूटने की ठान लेता है। परेशानियां जीवन में आती जाती रहती हैं, मेरे बच्चे डरा नहीं करते, हिम्मत से काम लेते हैं। जिसके पास नेकी और सच्चाई हो उसके पास ईश्वर रहते हैं, और जिसके पास ईश्वर हो उन्हें चिंता करने की क्या बात है। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा, यही जीवन का सत्य है। लेकिन अब मैं तुम्हें जीवन में वो हर एक खुशी दूंगा जिसकी तुमने अरसों से राह देखी है। अपने सभी दुख दर्दों को भुला दो, तुम्हारे एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। खुशियां तुम्हारा इंतजार दामन फैलाए कर रहे हैं। राम जी भला करें।